ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीनेष्टके। श्रीमद्भागवतम क्रम के अनुसार छठे स्कंद जिनका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नाद मुनि को शाप, इसकी इन पांचवें अध्याय का श्लोक संख्या 9, 10 और 11 है। तो हम लोग 11 का पाठ करेंगे। भूखिद्रम जीव संज्ञम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य कर्म निर्वाणं किमसत्कर्म भिर्भवेत्। भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्म भिर्भवेत्। भूः पृथ्वी क्षेत्रं कार्यक्षेत्र जीवसंज्ञं कर्म के विभिन्न फलों से बंधने वाले जीव की उपाधि या जो अनादि काल से विद्यमान निज बंधनम अपना ही बंधन उत्पन्न करने वाला अदृष्टा नहीं देख करके तस्या इसका निर्वाण अंत कैसे किया जाए, किम क्या लाभ है। असत्कर्म भी ही इन विमुख करने वाले कार्यों से भवे हो सकता है। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् वज्रनाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। हरियस्वो ने नाद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा। सुखदेव गोस्वामी पाठ कहते हैं कि भूत शब्द कर्म क्षेत्र का द्योतक है और यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है उनका कर्म क्षेत्र है और यह झूठी उपाधियां देता है। अनादि काल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त तो होते रहते हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल कारण है। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता तो उसको ऐसे कर्म से क्या लाभ मिलेगा। तात्पर्य श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा नाद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र हरियस्वो से रूप की शैली में 10 विषयों पर चर्चा की थी। राजा राजनदी घर भौतिक तत्व इत्यादि इन सबों पर विचार स्वयं करने के बाद हरियस यह समझ सके कि जीव अपने शरीर में बंदी बनकर सुख ढूंढता है किंतु वह
इसमें रुचि नहीं लेता कि इस भवबंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव विशेष प्रकार के एक शरीर प्राप्त करने से अत्यंत सक्रिय रहता है। मनुष्य इंद्रिय तर्पण के लिए रात दिन काम करता है और सुकर तथा कुकर जैसे पशु की इंद्रिय तर्पण हेतु दिन रात कार्य करते हैं। पशु पक्षी तथा अन्य सारे बद्ध जीव शरीर के भीतर बंदी आत्मा को जाने बिना विविध कार्यों में लगे रहते हैं। विशेषतया मनुष्य शरीर पाकर उसका कर्तव्य होता है कि वह इस तरह कर्म करे कि वह अपने को इस बंधन से छुड़ा सके। किंतु नारद या उनकी परंपरा के उनके प्रतिनिधि के उपदेशों के बिना लोग माया सुख भोगने के लिए अंधाधुंध शारीरिक कार्यों में लगे रहते हैं और वे ये नहीं जानते कि अपने भौतिक बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। इससे ऋषभदेव ने कहा कि ऐसा कार्य तनिक भी उत्तम नहीं, क्योंकि यह आत्मा को बारंबार शरीर के बंधन में डालता है, जो तीन प्रकार के तापों के अधीन है। प्रजापति दक्ष के पुत्र हरियस्व तुरंत ही नारद के उपदेश का तात्पर्य समझ गए। हमारा कृष्ण भावना मृत आंदोलन विशेषतः ऐसे प्रबोधन के लिए है। हम लोग मानवता को प्रबुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे लोगों को यह ज्ञान हो सके कि आत्म साक्षात्कार तथा शरीर से दूसरे शरीर में जन्म मृत्यु जरा रोग के निरंतर बंधन से मुक्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु माया अत्यंत प्रबल है, वह इस ज्ञान के मार्ग में रोड़े अटकाने में दक्ष है। इससे कभी कभी मनुष्य कृष्ण भावना मुक्त आंदोलन में जुड़ जाता है, किंतु इस आंदोलन के महत्व को न समझने से वह पुनः माया के चुंगल में फंस जाते हैं। हम अज्ञान दिविरंधस ज्ञानंजन सनाकज चक्षुरुन्मीलितं जयेन तस्मै श्री गुरुवे। श्री चैतन्य मनोहिष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं द्रौपकदा मह्यं ददाति स्वदन। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवैष्णवंशशिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बालां सहगण ललिता शिव शाखन वितनिष्ट मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयत गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव श्री गुरु नलिन दारिं जयतं सुरत पंगौ मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्रीराधामदन मोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रसादाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देशदा हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम के इस 36 स्कंद में एक नया अध्याय प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पर उन प्रचेता के पुत्र दक्ष प्रजापति के जो पुत्रों हैं उनकी कथा को यहाँ बता रहे हैं। आप लोग कल सुन चुके कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति के सुशील पुत्र जिनकी बुद्धि और स्वभाव एक समान था और जो नारायण सर में स्नान करके जिनका चित्त अत्यंत पवित्र हो गया था और जिनकी बुद्धि उन परमहंस के धर्म में लग रही थी, लेकिन तिस पर भी वो कड़ी तपस्या में लग रहती, इसको देख करके नारद जी से रहा नहीं गया, कौन साधु रह सकता है। जब इस प्रकार का निर्मल चित्त व्यक्ति को देख करके इन पच्चा भूमि के सदृश जिनका चित्त होता है उनको देख करके सभी साधु प्रचार करेगा, तो नारद जी है। श्री नारद मुनि ने उनको कुछ बातें कही, वो कूट वचन था, वो पहली पूर्ण वचन था, एक पहली के रूप में 10 बातें पूछी। आइए थोड़ा देख लेते हैं उन बातों को। वो कहते उवाच हयस्वा कथम तक्ष वै प्रजा अदृष्टान्तं भुवो जुजं बालिका बत पालका। बोले हे दक्ष प्रजापति के पुत्र, आप लोग प्रजापालक हैं तो क्या हो गया, प्रजा का पालन करके अगर इसी प्रजा को कुत्ते बिल्ली की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इस प्रजा पालन का क्या अर्थ है, बताइए बताइए। कह रहे हैं बत पालका बालिशा यूयम, आप है प्रजापालक लेकिन बिल्कुल बालिश मूर्ख हो। साधु लोग ऐसा ही बोलते हैं, बोले मूर्ख हो क्यों, बोला प्रजा की सृष्टि करके करोगे क्या, कुत्ता बिल्ली भी सृष्टि करता है प्रजा का, उससे क्या लाभ होगा प्रजा को। मनुष्य जीवन आप दूसरे को दिखाने जा रहे हैं तो उन मनुष्य जीवन का कुछ कर्तव्य है, वो जब आप नहीं समझे हैं तो उसको क्या बताएंगे। अत बालिशा कहते हैं, वो बोलते हैं क्या अदृष्टान्त भुवो, आपने जब भूमि का अंत ही नहीं देखा प्रजा को क्या शिक्षा देंगे। एक इसमें एक बात है, ये गुड पहली है। अच्छा ततिक पुरुषम राष्ट्रम बिल्लम चादृष्टिगमम बहुरूपाम स्त्रियम चापि पुंसाम पुंसलिपति। दूसरे श्लोक में ये बता रहे ततिक पुरुषम, बोले एक ऐसा राज्य है जहां एक ही पुरुष है, दो बिल्लम चादृष्ट निर्गमम, और एक ऐसा बिल है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, तीन है?
बहुरूपाम स्त्रियम, और एक ऐसी स्त्री है जो नाना प्रकार का रूपों को बदली करती रहती है। अर्पमानसम पुंसलीपतिम, बोले अरे सुन लो, तुम लोग जानते हो कि एक पुंसली का पति है। पुंसली कहते हैं उमांस चरती थी पुंसली, नाना प्रकार के पुरुषों में जिनकी बुद्धि है उनको पुंसचली कहते हैं। अर्थांत वेश्या, बोले एक वेश्या का पति हो, उनको तुम जानते हो कितना हुआ, पांच हो गया। नदी में उभय तो वहां, और एक कैसी नदी है जो दोनों साइड बहती है, तुम समझते हो न। पंच पंच अद्भुतम गृहम, और ये 25 तत्वों का बना हुआ घर है। क्या उन घर के विषय में तुम जानते हो, न क्वचित हंसम चित्रकथम क्षोरम अप्रियम स्वयं भ्रमी। और कहते हैं कि क्वचित हंसम चित्रकथम, एक ऐसा हंस है तो जिनकी कथनी अत्यंत विचित्र है। क्या तुम जानते हो कितना हुआ, क्षौरम अपव्यम स्वयं भ्रमी। और एक ऐसा चक्र है जिनकी धार अत्यंत पैनी है, उन वज्र से बनी हुई या अस्त्र के समान पैनी धार वाला एक चक्र है, वो स्वयं घूमता रहता है। नौ, कितना हुआ, आइए नौवें श्लोक में जाते हैं जो आप कल देख चुके हैं इन श्लोकों को। न कथम सुपितुर आदेश विद्वान सुविपश्चित, कहते हैं कि आपके उन सर्वज्ञ पिता का वास्तव में आदेश क्या है उनको तुम समझे हो। दस, ये दस पहेली है, कूट भाषा उनको कहते पहेली, जो पहली पूछते हैं ना तो उनको कूट भाषण कहते हैं। बोले अनुरूप अभिज्ञाय अहो सर्गम किम करिष्यत, बोले उन सर्वज्ञ पिता के विचार को नहीं समझते हुए तुम लोग प्रजा उत्पन्न करके करोगे क्या, किम करिष्यत, क्या करोगे। ये बहुत सुंदर प्रश्न है जो प्रारंभिक भक्तों के लिए है, लेकिन हम सब लोग प्रारंभिक भक्त हैं, क्योंकि रोज हमारा दिमाग बटली होकर के प्रारंभ में आ जाता है। कितने भी पुराने हुए हैं लेकिन प्रारंभ में आ जाते हैं, दूसरे दिन उठते ही प्रारंभ करना पड़ता है। जैसे आज ही चालू हुआ है आत्म साक्षात्कार का विषय, इसलिए प्रभुपाद जी बारम्बार इस बात को कोट करते हैं कि हम लोग देह नहीं है आत्मा है, बारंबार इसलिए कोट किया जाता है। अच्छा, शिष्य को वाच सुखदेव गोस्वामी पर दसवें श्लोक में कहते हैं कि तन निशम्य अथहर्स्वा औत्पत्तिक मनीषया, बोले दक्ष प्रजापति के उन जो 10,000 पुत्र थे वो पुत्र जन्म से ही बहुत बुद्धिमान थे। औत्पत्तिकम मनीषया, उत्पत्ति से ही जन्म से ही वो बहुत बुद्धिमान थे। तत्तन निसन्य, नारद की उन कुट पहेली को सुन करके हरियस्वा कहते स्वयं विमुमुर्षु दिया, उन कुट वचन को वाचक कुटुम तु देवर्षे, देवर्षि नारद जी के उन कुट भाषण को वो स्वयं अपनी बुद्धि से सुलझाना चालू किया। सुखदेव गोस्वामी पाद सबके मन के जानकार है, वो लोग अपनी बुद्धि से सुलझा रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। दसों दस की बुद्धि सेम थी, न कैसे कहा था उनके विषय में आगे बताया गया था,
आप पृथक धर्म शिलास्ते सर्वे दाक्षायण नृप पिता प्रोक्ता प्रजा स्वर्ग प्रतिचिम कहते हैं प्रययु दिशम है? वो ये लोग अपृथक धर्म थे, सबका एक समान गुण था और उनके साथ साथ आचरण था, एक समान बुद्धि थी। हम लोग की भी बुद्धि एक समान होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग एक ही कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना। लेकिन एक समान बुद्धि है क्या, कहना आप लोग का नहीं है, क्योंकि पृथक धर्म, हम लोग पृथक धर्म है, स्वभाव से ही हमारे पास कोई निर्मल बुद्धि नहीं, दूषित बुद्धि है। उन दूषित बुद्धि को उन 40 साल के बाद भी दूषित ही बनी रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्दैवमि दृश्यम, ये दुर्भाग्य है कि अभी की बुद्धि ऐसी की ऐसी, थोड़ा बहुत समझती है लेकिन मानती मानती नहीं है। भगवान से अपृथक भाव वाली जो बुद्धि हमारी है ना, वो हमारा कहा नहीं मानती है। यद्यपि हम जानते हैं, रोज उपदेश लेते हैं और उपदेश के अनुसार जीने का निश्चय करते हैं, डेली निश्चय करते हैं, लेकिन बह जाते हैं प्रवाह में, उन संसार की धारा में, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य की धारा में हम लोग का चित्त बह जाता है, हम रोक नहीं पाते अपने आप को। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, रोज भगवत भक्तों का संग करना चाहिए, भागवतम का संग करना चाहिए, उनके सेवन से कहीं जाकर के हमारी बुद्धि ठिकाने पर लगेगी, है ना। यद्यपि एक वस्तु करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, कृष्ण भावना मृत पूरा संघ एक ही चीज के लिए एकत्रित हुआ है, एक मति वाले होते हुए भी हमारे मति भिन्न भिन्न है। लेकिन ये बच्चे लोग ये बहुत सुंदर बुद्धि वाले थे, सबका स्वभाव एक समान था और चित्त निर्मल हो गया था, तो नारायण सर में स्नान करने से उनका चित्त भी निर्मल हो गया था और भागवत धर्म में बुद्धि लग गया था। अतः कहते हैं कि स्वयं भी ममर्षु, अपनी बुद्धि से स्वयं उनका निष्कर्ष नारद मुनि के कुट भाषण का कहना क्या है उनको स्वयं अपने से समझना चालू किया। आइए जरा हम लोग आचार्य की टीका में जाते हैं, बहुत सुंदर टीका एक आचार्य ने विजयदत्त जी ने लिखा है, 10वें श्लोक के ऊपर उनकी टीका है। औत्पत्तिकम मनुष्या स्वाभाविक ज्ञान संपन्नया धिया विचार विशुद्धया बुद्धिया वाचकूटम वचन समूहम गुह्य भाषात्मक कत्तेन कूटम इव प्रतीयमानम वा अल्प बुद्धिर्भिर दुर्बोधम वा स्वयं पर उपदेशम विना विमूर्षु न विचार्या आलोच्या निश्चिंतवंत इति अर्थ। कहते कूट वचन का अर्थ क्या है, न बहुवचन समूहम गुह्य भाषात्मक, जो अत्यंत रहस्यपूर्ण शब्द जिनमें रखे गए हैं इसको कूटवाच बोलते हैं, जिनका अर्थ सामान्य बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं। बड़ी बड़ी बुद्धि जो नाना प्रकार का यंत्र खोज रही है, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि भी इस बात को नहीं समझ सकती है। वैज्ञानिकों की बुद्धि भी इनको नहीं समझ पाएगी। क्यों बोले कूट मिश्रा, जिसमें कपट शब्द मिश्रित है। कपट क्या है इसमें, कपट क्या है उपदेश देना चाहिए नारद जी को,
निर्मल चित्त व्यक्ति मिलने पर भगवान का भजन करो बेटा, नहीं, लेकिन वो नहीं बोले। पिताजी का स्वभाव मालूम था, है ना, दक्ष प्रजापति के स्वभाव को बराबर जानकार थे नारद जी, इसलिए उनको सीधा उपदेश नहीं दिया। बोले कौन झगड़ा मोल ले, इससे बेटर है उपदेश नहीं देना है, कुछ बात पूछ दो, ये लोग बुद्धिमान हैं, अपने से सुलटा लेंगे, है ना। देखिए वो बहुत सुंदर बात इसमें बता रहे, तो प्रतीयमानम वा अल्पबुद्धि, कहते हैं उन कूट जैसा प्रतीत होता है, यद्यपि कूट शब्द नहीं है, नारद जी कूट भाषा क्यों बोलेंगे, लेकिन लगता है कूटम इव है? तो कहते हैं अल्प बुद्धि दुर्बोधम, अल्प बुद्धि कहते हैं जो भौतिक वस्तु को भोग करना चाहती है, चाहे कितनी भी एक्सपर्ट हो उस माने में, उनको अल्प बुद्धि कहते हैं। ऐसे अल्प बुद्धि जनों के लिए दुर्गे ही है वा स्वयं परो उपदेशम विना विमर्शु, कहते अथवा कहते हैं दूसरे के उपदेश के द्वारा ही उन जिनको समझा जाता है। इसलिए पिछले स्कंद में हम लोग देखते थे महाराज भरत जी को उन सौराष्ट्र के राजा ने क्या पूछा था, आपकी ये कूट भाषण समझ में नहीं आता है, उन्होंने भवाटवी को रखा, बोले भवाटवी हमारी समझ में नहीं आती, थोड़ा विस्तार से समझाइए, है ना। देख ठीक ऐसा भाषण है नारद जी का, लेकिन वो कहते हैं कि स्वयं परो उपदेशम बिना, लेकिन दूसरे के उपदेश के बिना वो स्वयं विमर्श विचार आलोच्य, उन स्वयं विचार करने लगे, उन विचार को सुखदेव के स्वामी पास जान करके, क्योंकि सबके हृदय में रहते हैं, पहले प्रार्थना में सुखदेव को शुद्ध गोस्वामी पाद ने बोला जो सबके हृदय के जानकार है। व्यक्ति जब भगवान का भक्त हो जाता ना, तो भगवान के समान दूसरे की चित्त के जानकार हो जाते, चित्तज्ञ हो जाते हैं। तो जानकार थे, अतः स्वयं विमर्श कहते स्वयं विमर्शु न विचार्य आलोचन निश्चित बनते, उन्होंने निश्चय किया, कहते मननेच्छा मनीषा, मनीषा क्या कहते हैं, मननेच्छा, कोई भी बात के ऊपर दीप में जिस बुद्धि विचार करती है उनको मनीषा कहते हैं, वो दीप में विचार करेगी, गहराई में जाकर के विचार करेगी। अतः कहते हैं कि स्याज ज्ञानम बुद्धि मतिस तथा, और उसी से उन विचार विमर्श से एक सुंदर बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ऊपर से समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन गहराई में जा करके उनके ऊपर विचार करके अपनी बुद्धि से उन वाच का मर्म, उन वाचा का मर्म समझ लेते हैं उन बुद्धि के द्वारा। ते इति अभिदानम, यही अर्थ है, कहने ना कूटम तु कैटवम ज्ञेयम समूह मेलनम वाह, संस्कृत शब्द का ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों में ये बात लिखी गई है, कहते कूटम का अर्थ क्या है, कैटवम अज्ञेयम समूह मेलनम, बातचीत का कुछ मेल नहीं खाता है, उसको कूट वचन बोलते हैं। अपने थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए। यद्यपि देखिए इन सारी बातों को हम ध्यान से समझेंगे तो ही हमको बारीकाई से आत्मज्ञान समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान जाएगा आत्मा के ऊपर, इसलिए देह के पालन में जो लगे हुए हो वो लोग को जागृत होना चाहिए कि दुख देने के लिए मिला है ये शरीर, जितना सुलभ होगा उतना ज्यादा सो करके दुख देगा, इसे कथा में कम से कम जगते रहना चाहिए, है ना।
कम से कम कथा में व्यक्ति को जगते रहना चाहिए ताकि कथा के शब्द भीतर जाए, है ना, अन्यथा जाएगा नहीं। खैर वो कहते हैं कि इति च औत्पत्तिक मनुष्या निरुप्यो उक्तम धिया, कहते हैं ये जन्म से ही बुद्धिमान थे, इसलिए उनके विषय में कहा गया है कि जन्म से ही बुद्धिमान है और दिया और अपनी बुद्धि से स्वयं भी मुमूर्षु, वो स्वयं डिसीजन लिया। अच्छा क्या डिसीजन लिया उन्होंने, तो अगले श्लोक में पहली पहेली है, 11वें श्लोक में, जो आज श्लोक में प्रभुपाद जी का पटपट के साथ श्लोक, जिस श्लोक को हम पाठ किए, कहते भूक्षेत्रम जीव संज्ञम श्लोक है। कहते जीव संज्ञम भूक्षेत्रम, जीव किसको कहते हैं, आइए सुख सिद्धांत में जाते हैं, उन्होंने बढ़िया से इसका आलोचना किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके ऊपर लिखे हैं, लेकिन बहुत कम वस्तु लिखे। जीव संज्ञम लिंग शरीर अनादि आदि शून्यम नित्यस्य जीवात्मनो बंधनम, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसको, न जीव संज्ञा का अर्थ क्या है, जो आत्मा ये समझता है कि ये अहंता ममता जहां से उत्पन्न होता है वो ये लिंग देह मैं हूं, क्या समझे हम लोग, जो सो गए हैं वो नहीं समझेंगे, सोवत है सो खोवत है, हा, और जो जागत है सो पावत है। देखो हमारी प्रारंभिक दशा है, हम लोग को आत्म साक्षात्कार हो नहीं गया किसी को, किसको आप लोग में से किसी को होगा, तो मेरे तो नहीं हुआ है, इसे सावधान होकर के मैं तो उनको देख रहा हूं कि आचार्य लोग क्या पाठ करते हैं, मैं सुना रहा हूं आपको, सुनिए। कहते जीव संज्ञम लिंग शरीरम अनादि, अनादि काल से, अनादि का अर्थ जब से जीव है, जब से भगवान है तब से जीव है, और तब से जिनके पास एक लिंग देह मन बुद्धि अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर और चित्त और ये चार वस्तु का एक सूक्ष्म शरीर हमारे पास, उनको लिंग देह कहते हैं। जो कर्मों का रहने का स्थान है, कर्म फल सूक्ष्म अवस्था में वहां पर रहता है, जो कार्य करने का भंडार है, ये कह सकते हैं, नाना प्रकार का विचार, अनेक अनेक जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप संचित जो विचार उसमें रहते हैं, भोग का विचार, नाना प्रकार के भोग की वासना जिसमें रहती है, वो ये लिंग शरीर है, उसको कहते हैं जीव संज्ञम, उसको जीव की संज्ञा बोलते हैं। सुख सिद्धांत बहुत सुंदर बात लिखते हैं, उसमें क्या वो बोलते हैं आइए जरा उसको देखते हैं। उस सुखदेव जो सुख सिद्धांत प्रदीप है, तो उन सिद्धांत प्रदीप में ये बात बताया गया है कि देखिए, जीवति प्राणान धारयति इति जीव न क्षेत्रम संसार प्रापकम कर्मोदय स्थानम, जीवति इस संसार में इन अनादि बंधन प्राप्त कराने वाला लिंग देह को लेकर के जीव जो इस संसार में जीवति प्राणों के साथ रहता है उनको जीव संज्ञा से जाना जाता है, इसको ही जीव बोलते हैं। जो अनादि बंधनम, अनादि काल से जीव को बंधन में डालने वाला कर्म का एक संचित नाना प्रकार की वासना जिसमें बड़ी है, अच्छा उसको कहते हैं
अच्छा, स एव संज्ञा यस्य तज्जीव संयम लिंग शरीरम। तो कहते ऐसी संज्ञा से युक्त जीव आत्मा, अच्छा जीव को तो आत्मा बोलते हैं लेकिन वो कैसे किसको आत्मा बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, महाजीव शब्द नहीं लिखा है, ब्रह्मभूत जीवात्मा नहीं। जीव संज्ञा ये जो लिंग शरीर है इसके लिए, लिंग शरीर के साथ हम लोग हैं, हम प्रत्येक जीव बद्ध जीव इन लिंग शरीर के साथ है, तो इसको कहते तत्जीव संयम लिंग शरीरम, न तस्य निर्वाणम बाधो उपाय अदृष्टवा असद वीर क्षुद्रेर। जिनका नाश नहीं करने वाला जो कर्म है उनको क्षुद्र कर्म कहते हैं, तुच्छ कर्म। जो सारा संसार के जीव इन बड़े बड़े कर्म में लगे हुए हैं, जिनको बड़ा कर्म समझ करके कर रहे हैं लेकिन वो सारे क्षुद्र हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रखता है। क्योंकि जब तक ये जीव शरीर जो लिंग शरीर है उनका भंग किस प्रकार किस उपाय से किया जाए वो उपाय नहीं करने वाले जीव हमारे में से नहीं है कोई, हम सब लोग रोज ये उपाय करते हैं, नहीं हो रहा है एक दूसरा बात है लेकिन उपाय करते हैं, बढ़िया से उपाय करते हैं। सुबह 4:30 बजे आकर के मंगला आरती से उपाय में लगे जुट जाते हैं, उसको कैसे कहेंगे मूर्ख नहीं है? और नहीं हो रहा है वो एक दूसरा वस्तु, उनमें कारण दूसरा है। तो हम तो लगे हुए, जो नहीं लगे हुए हैं उनके विषय में अथवा हर्यस्वगण ये समझ रहे हैं कि हम लोग पिता के आदेश का पालन करके खूब तपस्या में लग करके प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन प्रजा को शिक्षा क्या देंगे? जब तक भूमि का अंत देखा नहीं, उन लिंग शरीर को जब तक मारने का उपाय नहीं देखा या इन लिंग शरीर को लीन करने का उपाय नहीं देखा, ना तब तक, नारद जी तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, तब तक क्या कर लोगे तुम, क्या शिक्षा दोगे प्रजा को? प्रजा पालका बत बालका, बोला आप प्रजा पालक हो लेकिन मूर्ख प्रजा पालक, जैसे वर्तमान में प्रजा पालक लोग हैं शासन में बैठे हुए, जो प्रजापालक लोग हैं कितनी भी योजना बनाई, 370 हटाए 35 ए हटाए, लेकिन जब तक लिंग शरीर नहीं हटेगा तब तक एक भी काम बनने वाला, मोदी साहब भी सुन ले, एक भी जीवात्मा का भारतवर्ष में तब तक कोई भी कार्य ठीक होने वाला नहीं है जब तक ये लिंग देह को खंड करने वाला उपदेश ग्रहण नहीं, क्योंकि पृथक भाव वहीं से उत्पन्न होता है। हमारा जो पृथक भाव उत्पन्न हो गया है ना, वो पृथक भाव वहां से उत्पन्न होता है। हम सोच रहे हैं कि भगवान से सेपरेट हमारा व्यक्तित्व है लेकिन भगवान से सेपरेट है? नहीं है, क्योंकि हम भगवान के सर्वेंट है, सर्वेंट का सेपरेट कहां से आ गया? सर्वेंट को तो पहले से ही तनखा देकर खरीदा हुआ है, उनका सेपरेट कहां से आ गया? कोई सेपरेट नहीं है लेकिन वो स्वतंत्र बुद्धि इन लिंग शरीर से आता है जो पृथक है, भगवान से पृथक भाव, कि मैं भगवान से अलग रह करके अपना इतना विचार कर लूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में इनकी टिप्पणी बहुत सुंदर है इस विषय में, कैसे उनका भंग इनको कैसे काटा जाए या कैसे उनको लय किया जाए। चूंकि उसमें ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए एक श्लोक कहा है, कर्मासे हृदय गंति बंधम अविद्या
कहते असाध्य प्रमत अप्रमत अनेन योगेन यजुपदेशम सम्यक व्यपयो परम एतत् योगात्। कहते मनुष्य को चाहिए कि व्यक्ति अथक प्रयत्न करे, प्रयत्न मांग लेता है, उसमें एकाग्रता से सावधानी के साथ। असावधान व्यक्ति का लिंग भंग नहीं होता है, लिंग देह। सावधान व्यक्ति होते हैं ना, उन सावधानी के साथ कर्म करने के लिए बता रहे हैं क्या, तो बोलते हैं इन हृदय में जो कड़ी गांठ पड़ी हुई है ना भोगों की, बारंबार भोग में माया डाल देती है। और कब सरक जाता है माइंड पता नहीं चलता है, कब उन भू क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, आत्म क्षेत्र से उठा करके डाल देती है माया। हम लोग आत्म क्षेत्र में, श्रील प्रभुपाद महाराज ने आत्म क्षेत्र दिया हुआ है। जिसमें आत्मा का खेती किया जाए, भक्ति रूपी बीज जिसमें पनपता है, आत्मा की खेती दिया है। सो नवदा भक्ति रूप जो उसमें जल देते हैं वो आत्मा की खेती है। क्या है? आत्मा की कृषि है। अथक प्रयत्न मांग लेता है, इसलिए कहते हैं अप्रमत असाध्यम अविद्या बंधम। इन अविद्या के कारण जो बंधन उत्पन्न हुआ है, तो कहते उन हृदय गांठ को जो सारे कर्मों का रहने का या उन कर्म वासनाओं का रहने का ठिकाना है, इसके ऊपर लक्ष्य करना चाहिए। साधक को चाहिए कि हमेशा इसके लक्ष्य में, इसको लक्ष्य बना करके कर्म करें, दुर्लक्ष न हो जाए उसका ख्याल रखे। उसके लिए आगे के श्लोकों में उन पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के इन 12-13 या उससे भी आगे लगभग 11-12-13 वो पाठ कर लीजिए, आप समझ जाएंगे क्या क्या करने के लिए बताया है। मैं तो आखिरी इसलिए लिया कि इतना समय नहीं है हमारे पास इनके ऊपर बोलने के लिए, इसलिए आखिरी शोक लिया है। इसके कहते हैं कि व्यक्ति अनेन योगेन यथो उपदेशम, जिस प्रकार साधु और शास्त्र उपदेश देते हैं उन उपदेश के अनुसार सम्यक का उन पूरा पूरा उनके ऊपर लग जाए व्यक्ति, तब वो भंग होगा। बोलते हैं और उपरमेत योगात। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके ऊपर बहुत सुंदर बात है, बोले उन योग से भी उपराम हो जाए। बोले नहीं, भक्ति योग से कभी उपराम नहीं होता है कोई व्यक्ति भक्त। आइए उनका तात्पर्य देखने योग्य है। वो कहते हैं कि देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते तच्च लिंग भंगा अर्थकम साधन दुरुपरमेत इति आहा। ये साधन दुष्कर है, लेकिन दुष्कर होते हुए भी व्यक्ति उनको करता है ना। कैसे करता है? दुष्कर चीज कैसे किया जाए? अपने प्रयत्न से? बोले ना। तो कहते हैं कैसे लिखा है इसमें, उनको कहते हैं यथो उपदेशम योगेन गुरु उपदेशम। कहते हैं कि जिस प्रकार गुरु ने उपदेश दिया है, कैसा उपदेश दिया है? श्रील प्रभुपाद महाराज ने क्या उपदेश किया है सबको? सुबह कितने बजे उठना चाहिए? कितने लोग उठते हैं? देखिए योगेन गुरु उपदेशम अन अतिक्रम्य। गुरु का उपदेश को अतिक्रमण करके नहीं,
उन्होंने जो बोला उस उपदेश को ग्रहण करते हुए, वाह क्या बात लिखते हैं। यो योग, उनको बोलते योग, जो योग है। कैसा योग है? गुरु उपदिष्ट। कृष्ण भावनामृत संघ में आद्य गुरु संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी अपृथक भाव को बता रहे हैं, भगवान से जोड़ने के भाव या लिंग देह को नष्ट करना, उनको रकास करना, उनके उपाय को बताते हैं। तो कहते उपायस्तेन न तु पांडित्य बलात्। वाह, कोई कितना भी पंडित है, उन अपने पांडित्य के बल से ये कर पाएगा नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि पुस्तक दर्शन मात्रा देव। अरे पुस्तक में लिखा है ना, हम लोग पाठ करके सीख लेंगे ना। डिट्टो जो बोला है, क्या बोलते हैं इसमें? गुरु उपदेशम अन अतिक्रम्य यो योगः। गुरु की बात का अतिक्रमण न हो और फिर योग में लगे है? उनको कहते योग है? अच्छा, तो कहते पांडित्य बलात् बोलना। गंभीर व्यक्ति पंडिताई के ऊपर भरोसा नहीं करते, ठगने वाली है पंडिताई, बिल्कुल ठगी समझ लीजिए। इतना बड़ा ठग है पंडिताई, इनके ऊपर भरोसा न करें, भरोसा अपने गुरु के ऊपर करें। उनका उपदेश क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा किया जाए। सक्सेस हा? अच्छा, दूसरा पांडित अर्थ पुस्तक दर्शन मात्रा। ये पुस्तक दर्शन से कोई व्यक्ति सिद्ध कभी नहीं हुआ है। वो कहते हैं और स्व उत्प्रेक्षण कर्मिणा सेरते, स्व उत्पेक्षा, अपनी कुछ उत्पेक्षा देते हुए, शास्त्र से हट करके कुछ चित्त में उत्पेक्षा आती है। उत्पेक्षा जानते हैं, टीका, अपनी ओर से कुछ टीका जोड़ करके भी कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है और भगवान में प्रीति नहीं जोड़ सकता है। जब तक भगवान में प्रीति नहीं जुड़ता है, ऋषभदेव कहते हैं कि यावत प्रीति न, जब तक इनकी प्रीति मुझ में नहीं लगती है तब तक ये शरीर बंद हटने वाला नहीं है, ये लिंग देह का भंग होने वाला नहीं है। अतः कहते यस्मिन तम बंदम व्यापोय निरस्य योगात उपायात। इतना सुंदर योग जो बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु के बात के ऊपर विश्वास करते हुए है? और जो निरंतर उनकी बात के ऊपर अटल है, अटल, अपने चित्त को टाल नहीं सकता है, अपने मन को टाल नहीं सकता है, अटल जिनका चित्त है, इसके ऊपर इस योग उपायत वीरमेति। कहते वीरमेति लिंग व्यपोहनात् अर्थम एव वीरमेत। कहते हैं वो व्यक्ति अपने चित्त को विनिमित कर देगा भौतिक कार्यों से, भौतिक संकल्पों से। बाकी संकल्प इतने उठते रहते हैं अपने चित्त में, उनको कोई भी विराम नहीं है, कोई विराम दे नहीं सकता है, न पंडिताई से, न शास्त्र अध्ययन से, किसी से नहीं। केवल नम्रता पूर्वक भक्ति के कार्यों में जुट करके, भक्तिमय सेवा करके व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। हाँ? कहने का अर्थ ये है। इसके लिए न तो तत्पदा कहते हैं विरमेत लिंगव्यो, उन लिंग शरीर से विरमित होना चाहिए। न तो तत्पदार्थ ज्ञानार्थम इति अर्थ, कहते नहीं उन तत्पदार्थ जो भगवत तत्व है उनसे विरमित होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। विरमित लिंगम, लिंग से विरमित हो जाए। अच्छा, तो कहते हैं कि तद अर्थ भक्ति
कुर्वतीत्येव, कहते इसलिए कहते हैं कि वो भक्ति तो करना ही चाहिए, भक्ति से विरमित नहीं होना चाहिए। न ब्रह्मबुद्ध प्रसन्नात्मा न सोचती या भक्त्यमामो विजानति यावन याश्चास्मि तत्वतः इत्यादि श्लोक कोट करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ध्वस्त किया इस तर्क को। अगर कोई उठाएगा इस श्लोक से कि देखो साधन को भी छोड़ दिया जाए ना, वही साधन व्यक्ति को भाव में घसीट लेगा, वो विशुद्ध भाव इन चित्त की विशुद्धि में उनको डाल देते हैं। तो कहते हैं कि ये लोग इन कूट भाषण को सल्टायाना भूक्षेत्रम जीव संज्ञम। नारद जी ठीक कहते हैं, क्या ठीक कहते हैं, बोले ये जीव संज्ञा जो लिंग शरीर हमको मिला है यदनादि निज बंधनम, ये हमारे बंधन का कारण अनादिकाल से बना हुआ है। अदृष्टवा तस्कर्मानम, इनके भंग करने का उपाय नहीं देख कर करके इस उल्टा बंधन प्राप्त करने वाला कार्य करके तुम प्रजा सृष्टि करोगे तो प्रजा क्या करेगी, तुम क्या करोगे, सब मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, है ना। मनुष्य होकर के कुत्ते की मौत मरेगा ये ठीक नहीं है। बट आप लोग तो उपाय कर रहे हैं, आप लोग का किसी का मरण कुत्ते जैसा नहीं होगा 100% है? का भगवान के भगत है, उपाय में लगे, नहीं उपाय करने वाले की बात है, है? तो देखिए, तो यही विचार स्थिर किया हरियस्व ने, एक पहली सल्टा। आगे कल दूसरी पहली आएगी, उनको कल क्लास में बोला जाएगा। एक एव ईश्वर तुर्यो भगवान स्वाश्रय पर तम दृष्टवा अभवम पुंसह किम असत्कर्म भीर भवेत, उन श्लोक को कल लिया जाएगा। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं ले सकते हैं, 9 बज गया है, अगर पर्सनल कोई लोग मिले जिनकी जिज्ञासा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। राय गौर हरि ब्रह्मानंदे।